हेलो फ्रेंड्स, आई एम अस्मित पांडे एंड वेलकम टू आवर चैनल एसके का ज्ञान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में टॉप 25 इजी जीके क्वेश्चंस पार्ट 1 को डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 इजी जीके क्वेश्चन पार्ट 2 को लेकर के आए हैं, जहां पर हम रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 में भी जहां पर हमें निमोनिक्स की या फिर ट्रिक्स की आवश्यकता होगी, हम जरूर इस्तेमाल करेंगे और एकदम से तत्काल प्रभाव से हम उस प्रश्न को याद करने वाले हैं। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल शेप में है, और टू बी मोर प्रिसाइज जो हमारा अर्थ है वो जियोइड शेप में है। और जियोइड शेप में होने के कारण हमारे पृथ्वी के दो पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दूसरा है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो हमसे यही पूछ रहा है कि साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो एक्चुअली में एक लेडी थी जिसके पास कौशल था, जिसके पास एबिलिटी थी, और उसने अपनी एबिलिटी को अपना धर्म बनाया और उसने यह निश्चय किया कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगी और रन करूंगी, और रन करते करते वो जा पहुंची अंटार्कटिका यानी कि साउथ पोल। अरे क्या बोला मैंने कि एक लेडी थी जिसके पास कौशल था, कौशल को उसने अपना धर्म बनाया, शक्ति का प्रयोग करते हुए वो रन किया उसने। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रीना कौशल धर्म शक्तु, रन से रीना कौशल धर्म शक्ति, सारी चीजें आगे रीना कौशल धर्म शक्तु ही वो पहली महिला है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर गई। तो सी रीना कौशल धर्म शक्तु इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने याद कर लिया इसे। 27th नंबर यानी दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सा है। पूछने का मतलब यह है इसका कि भारत में बनी हुई फर्स्ट साइलेंट फिल्म कौन सी है, यानी कि जिसमें एक्टर एक्ट्रेस ने केवल एक्टिंग की है, बोला नहीं है कुछ। तो ऐसी फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो कि साल 1913 में वर्ष 1913 में बनी। तो ए राजा हरिश्चंद्र इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है। तो ये हुई है सिंधु शब्द से। एक्चुअली में इसके पीछे एक स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत से एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है सिंधु, जानते हैं हम सब, और सिंधु नदी के बहने के वजह से भारत को सिंधु बोला जाने लगा। लेकिन जब पर्शियन ट्रेडर्स हमारे यहां आए तो फारसी भाषा में स को ह बोलते हैं, मींस एस इज सपोज टू बी एच। तो ये सिंधु चेंज हो गया हिंदू में, और धीरे धीरे ये हिंदुस्तान बन गया, और बाद में जब मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, तो ये हिंदुस्तान से ये चेंज हो गया इंडिया में। तो ये पूरी इसकी स्टोरी है। और अगर सिंपल बोला जाए तो सिंधु शब्द से ही, सिंधु से सिंधुस्तान, फिर हिंदुस्तान, और उसके बाद फाइनली इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सी सिंधु शब्द से इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत खंड भारत का क्या है। तो शंभु द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवशे, रामायण की वो जो रामानंद सागर जी का रामायण है उसमें बोलता है ना कि शंभु द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवशे। तो भारत खंड, भारत देश यानी भारत का दूसरा नाम एक्चुअली में है ये। ए इज द राइट आंसर। राष्ट्र हो नहीं सकता, सभ्यता हो नहीं सकता, तो ए हो जाएगा राइट आंसर, दूसरा नाम। ठीक है, यानी भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है, यानी कि एग्रीकल्चर भारतीय इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का क्या है। तो क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है एग्रीकल्चर, उसमें डायरेक्टली ये लाइन लिखी है कि एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। तो यहां पर हमारा बी रीढ़ इसका सही जवाब हो जाएगा। जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ है, बैकबोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यहां भारत होना चाहिए, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो ये है सिक्किम, ये है हमारा
ये है हमारा सिक्किम, सी सिक्किम, क्योंकि 2011 की जनगणना के हिसाब से सिक्किम की जो जनसंख्या है वो लगभग मात्र 6 लाख है, लगभग मात्र 6 लाख है, और 6 लाख तो बहुत ही ज्यादा लो जनसंख्या, लो पॉपुलेशन मानी जाएगी। तो सी सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं अगर कि सबसे कम जनसंख्या वाली यूटी यानी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सा है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि प्रथम मौनी फिल्म कौन सी थी, तो वो थी राजा हरिश्चंद्र। तो राजा हरिश्चंद्र को तो पहले ही हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो ज्यादा घुमाते फिराते नहीं, डायरेक्टली आते हैं। जो प्रथम रंगीन फिल्म थी वो थी हमारी किशन कन्हैया। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। अब यहां पर भगवान का नाम आया है, श्री कृष्ण का नाम आया है, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो बी किशन कन्हैया इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है, तो ये हैं द ग्रेट लेजेंड सत्यजीत रे। 1992 में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ए सत्यजीत रे इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वाइसरॉय, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे, तो ये थे ऑप्शन है ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी हर्ल्ड कॉर्नवालिस। तो जो प्रथम वाइसरॉय यानी फर्स्ट वाइसरॉय थे ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, अभी याद कैसे करें इसे, तो नाम में इनके आ रहा है कैन, कैनिंग से कैन, कैन मतलब मैं सकता हूं, मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूं, सकना आ रहा है, सकना कहने का मतलब है कि इनके अंदर चाहत थी प्रथम बनने की, प्रथम वॉइसरॉय। अब भाई शोर मचाने वाले तो प्रथम बनेंगे नहीं, बेंटिक विलियम बेंटिक टिक लगाने वाले भी नहीं बनेंगे, और कॉर्न मक्का खाने वाले भूजने वाले भी नहीं बनेंगे। क्या बोला तूने? एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन यहां पर निमोनिक का इस्तेमाल करते हुए कैन, मैं कोई भी काम आसानी से कर सकता हूं और प्रथम बन सकता हूं, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, यानी कि भारतीय कैबिनेट में फर्स्ट फीमेल कौन थी, तो ये थी राजकुमारी अमृत कौर। अब लर्न कैसे करते हैं, तो जब फर्स्ट कैबिनेट, ये बात है 1947 की, उस टाइम फीमेल्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम और लिबर्टी नहीं दी जाती थी, नॉर्मल मतलब कॉमन फीमेल्स को इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती थी। लेकिन जब राजकुमारी की बात आती है, तो राजकुमारी को तो भाई फ्रीडम और लिबर्टी दी ही जाएगी, तो फ्रीडम और लिबर्टी उनको मिली, चुनाव वो लड़ी, चुनाव जीती और कैबिनेट का हिस्सा बनी। तो राजकुमारी अमृत कौर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो सी राजकुमारी अमृत कौर सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और हमको स्टेट भी बताना है, तो ये यूपी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी, नाम था इनका सुचेता कृपलानी, और शायद 1953 में ये बनी थी, तो डी सुचेता कृपलानी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल फर्स्ट फीमेल लेडी हैं, और ये 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, 12th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, और आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको क्या करना है, गूगल से ये पूछना है बस कि प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है। मैंने आपको इतना बड़ा हिंट दे दिया। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जीवी मावलंकर जी, जो इनका पूरा नाम है वो है गणेश वासुदेव मावलंकर। अब
हिंदू धर्म के हिसाब से क्या होता है, हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि जब भी शुरुआत होती है, प्रथम कोई भी चीज होता है, शुरुआत होती है, तो गणेश भगवान को याद करते हैं श्री गणेशाय नमः बोल के। तो जिनके नाम में ही गणेश है, और तो और वासुदेव यानी स्वयं भगवान भी आ गए, विष्णु जी भी आ गए, तो जहां पर गणेश भगवान है, वासुदेव भगवान है, वही तो प्रथम होंगे भाई। प्रथम अध्यक्ष जो है वो है गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी जीवी मावलंकर। ठीक है, याद भी कर दिया हमने आसानी से, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेस यानी शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है, यानी कि चेस के खेल में, शतरंज के खेल में वर्ल्ड चैंपियन कौन है। तो याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, याद ही होगा आपको, विश्वनाथन आनंद, वर्ल्ड फेमस चेस चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, सी विश्वनाथन आनंद इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा था, यानी ऐसा कौन सा समाचार पत्र था, यानी है भी अभी भी, जो कि कागज रहित था, यानी कि पेपरलेस, ऑनलाइन कौन सा था। तो ये है द न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला। तो ये बात है आज से लगभग 20 साल पहले की, 2002 की आई गेस, मिताली राज जी ने इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन जड़े थे और यह रिकॉर्ड बना दिया था, पहली भारतीय महिला जिसने दोहरा शतक लगाया, तो मिताली राज, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में फर्स्ट इंडियन जज कौन है। तो ये है नागेंद्र सिंह जी। अब सिंह हम जानते हैं शेर, और शेर अपने देश में नहीं, पूरे देश विदेश में, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय में गूंज को अपनी फैला देता है, दहाड़ को अपनी फैला देता है। तो सिंह राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हर जगह अपनी गूंज को फैलाता है, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। एंड डॉक्टर नागेंद्र सिंह इज द पर्सन हु बिकेम द फर्स्ट जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट। तो ए नागेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो ये थी मीरा कुमार जी, मीरा कुमार इज द राइट आंसर, सी मीरा कुमार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये थे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब याद कैसे रखें, तो याद आप ऐसे रख सकते हैं, आजादी के बाद जब 552 रियासतों को एक साथ लाना था और एक भारत देश का निर्माण करना था, तो वहां पर इनका नाम आता है। तो ये 552 रियासतों को एक साथ कैसे ला पाए, क्योंकि ये घर घर की प्रॉब्लम्स को, घर घर की बातों को जानते थे कि कैसे हम उन्हें एक कर सकते हैं। तो ये घर घर की बातों को जानते थे, इसीलिए ये होम मिनिस्टर थे, तो ये गृह मंत्री थे ऐसे ही। तो सी सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं। और कमेंट में आपको ये बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत में जो मूर्ति है, मूर्ति का क्या नाम है, और तो और वो मूर्ति की क्या खासियत है। ठीक है, आपको ये कमेंट बताना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे चंद्रशेखर वेंकटेश रमन, यानी कि सीवी रमन के नाम से प्रसिद्ध सीवी रमन जी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था पहली बार। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे डॉक्टर हर गोविंद खुराना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डॉक्टर हर गोविंद खुराना। अब यहां पर हर गोविंद, गोविंद जी, अब गोविंद जी से बड़ा चिकित्सक कोई हो सकता है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले वो भगवान के पास जाता है, तो गोविंद से बड़ा और कोई भी चिकित्सक नहीं हो सकता है, तो हर गोविंद खुराना इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये थे 1998 में
नोबेल प्राइज इनको मिला, इनका नाम था अमर्त्य सेन। ठीक है, तो बी अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे। हिंट दूं, हिंट ये है कि जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे। हम सभी को बताया कि 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे और ये प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे और दो बार लगातार इन्होंने अपना कार्यकाल 5-5 साल का पूरा किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रथम भारतीय महिला है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये है एंजेजा गोंगसे बॉक्सियू। क्या बोला तूने? अरे ये तो कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। एक्चुअली में मदर टेरेसा का रियल नेम यही है। क्या है? एंजेजा गोंगसे बॉक्सियू। मैं भी बोल नहीं पाता हूं, पता नहीं इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन यही है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मदर टेरेसा को ही पहली बार नोबेल प्राइज मिला था और ये भारतीय मूल की महिला है। ठीक है, तो बी मदर टेरेसा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ये है हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पहली बार प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये लेडी है, महिला है, तो श्रीमती इंदिरा गांधी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है टोटल 25 इजी जीके क्वेश्चंस को और जहां पर हमें ट्रिक्स और निमोनिक्स की आवश्यकता थी वो भी हमने किया और सभी 25 क्वेश्चंस को याद कर लिया है, उखाड़ के फेंक दिया है। क्या बोला तूने? उखाड़ के फेंक दिया मतलब दिमाग में बैठा लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलेगा। बढ़िया लगा तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बाजू में घंटा दिया है वो जरूर दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पाइए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड टेक केयर।